आम आदमी की सवारी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस सवारी पर GST की वसूली लग्जरी गाड़ियों के हिसाब से होती है। इंडस्ट्री की कोशिशों के बाद अब सरकार को इस बात का एहसास हुआ है कि टू व्हीलर पर GST की सबसे ऊंची दर ठीक नहीं है, इसे घटाया जाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इंडस्ट्री के एक सुझाव के बाद अपने बयान में इस बात के संकेत दिए हैं। GST घटाने के सुझाव पर वित्त मंत्री ने कहा, ये वास्तव में एक अच्छा सुझाव है, इस GST काउंसिल की बैठक में उठाया जाएगा, क्योंकि टू व्हीलर न तो विलासिता की चीज है और न ही अहितकारी सामान है। इस वक्त टू व्हीलर पर 28% GST लगता है। वित्त मंत्री ने ये बात इंडस्ट्री संगठन CII के साथ एक बातचीत के दौरान कही। उद्योग संगठन CII की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भरोसा दिया है, इंडस्ट्री की ओर से दिया गया ये एक बेहतर सुझाव है, इसलिए टू व्हीलर की GST दरों में बदलाव पर विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का ये बयान GST काउंसिल की 19 सितंबर को होने वाली बैठक से पहले आया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में टू व्हीलर पर GST घटाने का फैसला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फेस्टिव सीजन में टू व्हीलर्स की मांग बढ़ेगी और बिक्री में इजाफा भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल लॉकडाउन और कोरोना वायरस संकट की वजह से टू व्हीलर्स की बिक्री ठप पड़ी है। आपको ये खबर कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।